बिहार में चाचा पशुपति कुमार पारस से मिल रही राजनीतिक चुनौती से निपटने के लिए लोजपा के चिराग गुट ने पूर्व विधायक राजू तिवारी को कार्यकारी अध्यक्ष से अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। चिराग पासवान ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं अपने चचेरे भाई प्रिंस राज को कल ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण दल से निष्कासित कर दिया। तिवारी पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद हमेशा पार्टी के अहम पद पर रहे हैं। लोजपा पर नियंत्रण को लेकर हो रहे प्रयासों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को कहा कि पार्टी संविधान के अनुसार उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। पासवान ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके इस्तीफा देने के बाद ही दूसरे नेता को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी संसदीय बोर्ड ही संसदीय दल के नेता का चुनाव कर सकता है, पार्टी के सांसद संसदीय दल के नेता का चुनाव नहीं कर सकते। श्री पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस लोजपा के 6 सांसदों में से 5 के समर्थन से संसदीय दल का नेता बनकर लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान ने गरीबों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी इस गठन किया था, तो वहीं पार्टी ने श्री पासवान के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। बिहार में पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। पासवान ने कहा कि उन्होंने पार्टी और परिवार को एकजुट रखने का भरपूर प्रयास किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके चाचा ने उनका पूरा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वो बीमार हो गए थे, इसी दौरान पार्टी पर नियंत्रण का षड्यंत्र किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव को लेकर कोई समस्या थी तो उसे उसी समय उठाया जाना था। इस बीच श्री पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से श्री पारस को संसदीय दल का प्रमुख बनाने के पार्टी सांसदों के प्रस्ताव को मंजूरी देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें संसदीय दल का नेता नियुक्त करने का आग्रह किया है। श्री पासवान ने श्री बिरला को पत्र लिखकर कहा कि पार्टी संविधान के अनुसार संसदीय दल के नेता का चुनाव संसदीय बोर्ड करता है, श्री पारस को संसदीय बोर्ड ने नहीं चुना है और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उन्हें दल से बाहर कर दिया। उल्लेखनीय है कि लोजपा के 6 सदस्य में से 4 ने श्री पारस को संसदीय दल का नेता बनाने को लेकर श्री बिरला को पत्र लिखा था, बाद में श्री बिरला को नेता नियुक्त कर दिया गया था।